स्वागत है, मैं हूं शरद बाघेला। इस वक्त बड़ी खबर आ रही बिहार से, जहां पर बिहार में चमकी बुखार के कहर जारी है। जापानी बुखार पहुंचा छत्तीसगढ़ जगदलपुर में, यहां पर जापानी बुखार से पीड़ित एक मरीज मिला है। स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है और टीम गठित कर जांच पड़ताल के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन साहेब लाल आदि ने ले जाने की खबर पुष्टि की है। आपको बता दें कि इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर छत्तीसगढ़ में बुखार से एक की पीड़ित मरीज का मामला सामने आया है और स्वास्थ्य विभाग ने इस बात को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। और सत्या राजपूत हमारे साथ इस खबर को लेकर जुड़ चुके हैं स्वराज संवाददाता। सत्या, बड़ा मामला आया है, जब चमकी बुखार ने दस्तक दे दी छत्तीसगढ़ में और एक जापानी बुखार से पीड़ित एक मरीज मिला है, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले में आपके पास? जी, ये पूरा मामला जगदलपुर का है, जहां जापानी बुखार के मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने छत्तीसगढ़ में अलर्ट जारी किया है। जी। उसके बाद मेडिकल कॉलेजों को आदेशित किया है कि पूर्ण रूप से जांच की व्यवस्था करें। जी सत्य, क्या लगता है जिस तरह जांच की बात करें तो क्या जांच को लेकर कितने क्या पर्याप्त संसाधन वहाँ के मेडिकल कॉलेज में है? क्या जापानी बुखार की जांच वहाँ के मेडिकल कॉलेज में होती है? और यदि हम चमकी बुखार की बात करें, चमकी बुखार जिसकी चर्चा काफी तेज है, बिहार में तकरीबन 150 से ज्यादा बच्चे मर चुके हैं, तो उस स्थिति में देखा जाए तो क्या कुछ पर्याप्त संसाधन मेडिकल कॉलेज के पास है? जी, आपको बता दें कि ये जो छत्तीसगढ़ में है वो जापानी बुखार है, चमकी बुखार नहीं है। और इसके पहले भी छत्तीसगढ़ में जापानी बुखार का कहर देखा गया था, तो उस समय जो व्यवस्था की गई थी वो व्यवस्था अभी की है जिसमें इलाज के प्रावधान कर रहे हैं। क्या लग रहा है सत्या, जिस तरह का जापानी बुखार से मरीज आया है तो उसके लिए कोई आइसोलेशन वार्ड है या उसको कहां पर शिफ्ट किया गया है? जी, सभी मेडिकल कॉलेज है, चाहे बस्तर की बात करें, जगदलपुर की हो, चाहे बिलासपुर की हो या रायपुर की, तो ये सभी मेडिकल कॉलेजों में इसकी व्यवस्था की गई है। क्या इन सभी मेडिकल कॉलेज में आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था की गई है? जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सत्या राजपूत जी तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर भोपाल से, जहां पर मध्य प्रदेश